हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ एनेडमी हम हेलेनक अनेडमी में स्कल की बेस आज स्टार्ट कर रहे हैं एंड टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा वंस अगेन टू ओरिएट यू इफ दिस इज योर स्कल we cut the skull like this and we take this out this bit is known as the vault of the skull and whatever is left behind here this is uh, and obviously if you remove the brain so here will be the brain and you take the brain out as well so what you see at the bottom is the bony structure which is called the base of the skull and interior of the base of the skull is divided into three components anterior middle and posterior cranial fossa so today's video is going to focus on anterior cranial fossa so internal surface of the base of the so that's the uh, initial discussion which orient you to what we are going to discuss okay the interior of the base of the skull presents natural subdivisions into anterior middle and posterior cranial foci the dura mater is firmly adherent to the floor of the foci and uh, is continuous with the pericranium through the foramina and the fissures now these two terminologies आर सुप्रीम इम्पॉर्टेंस वैल्यू टाइप ऑफ चीज इन द बेस ऑफ द स्कल डिस्कशन रीजन उसका यह है क्योंकि हर क्रैनियल फोसा में भी हम देखेंगे चाहे वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा हो पोस्ट क्रैनियल फोसा हो मिडल हो उसमें दो तीन चीजें जो आपने याद रखनी है नंबर वन इज द बाउंड्री यानी इफ यू लुक एट द डायाम स्ट्रेड अवे सो है लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेस ऑफ द स्कल वॉल्ट हैज बिन रिमूवड काट के मैंने आपको बताया ना इफ दिस इज द स्कल तो ऐसे कट करके वॉल्ट निकाल दिया है हटा दिया है अंदर यहाँ ब्रेन होगा ब्रेन भी हटा दिया है तो बेस ऑफ द स्कल ऐसा नज़र आ रहा है सो so, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द बाउंड्रीज सो अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ सो हे वी हैव गॉट सो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम की भी है सो इफ यू सी दिस डायग्राम दिस इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड दिस इज वॉट इज द एंटीरियर क्रैनल फोसा देन वी हैव हेयर द मडल क्रैनियल फोसा एंड देन एट द बैक इज द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा तो हर फोसा की बाउंड्रीज हैं एंटीरियर क्रेनल फोसा की ऑब्वियसली एंटीरियर बाउंड्री होगी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी एंड यूजुअली जो एंटीरियर क्रेनल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री है वही मिडिल क्रेनल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री है बिकॉज इज शेयर बाउंड्री है सिमिलरली द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडिल क्रेनल फोसा इज द एंटीरियर बाउंड्री यूजली ऑफ द पोस्ट्रीय क्रैनल फोसा सो दे आर ऑल लाइक दिस वन आफ्टर एन सो वी हैव एंटीरियर फोसा मिडिल फोसा एंड पोस्टेयर फोसा तो बाउंड्रीज मस्ट भी रिमेंबर्ड बाई यू के हर जगह हर फोसा की बाउंड्रीज क्या है री इम्पोर्टेंट इज दैट के उसमें कौन से फॉरामा और फिजर्स हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द डायम है ये मिडल क्रेनियल फोसा है इसमें देर आर सो मेनी ओपनिंग्स देर इज फॉरमेन रोटेंडम ओवेल स्पाइनोजम देर इज फॉरमेन लेजरम और ये हर फॉरमेन हर ओपनिंग इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन उसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर गुजर रहा है तो आपको भी पता होना चाहिए किस फॉरामिन की लोकेशन किधर है और किस ओपनिंग की लोकेशन किधर है एंड फर्दर टू दिस यू शुड ऑल्सो नो के वट आर द कॉन्टेंट्स पासिंग थ्रू इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ओके सो एंटीरियर एंटीरियरल फोसा की बाउंड्रीज एंटीरियरली एंड ऑन द साइड्स इट इज बाय द फ्रंटल बोन सो यानी इफ यू लुक एट दिस डायग्राम नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द एंटीरियर क्रेनल फोसा So, if you look at the boundaries of the anterior cranial fossa, it is uh, formed by the frontal bone on the anterior side as well as on the side. You know, all this is made by the frontal bone. Okay, so anteriorly or on the sides, posteriorly, however, it is separated from the middle cranial fossa by three posterior. Um, uh, By free posterior border of the lesser wing of the sphenoid and the anterior clinoid process the anterior margin of the sulcus chiasmaticus all these structures so you see this is the division here there is the uh, clinoid process these are the clinoid processes and this is the anterior margin of a sulcus called sulcus uh, chiasmaticus and then there is posterior border of the lesser wing of a sphenoid Right, so all these structures. If you read here, you see uh, that the posterior border of the lesser wing. I uh, draw line. something like this. You see.

So, anterior cranial the anterior boundary mein Frontal bone, lateral boundary, frontal bone, posterior boundary. These are three parts: hai. posterior wing of the lesser wing of a sphenoid. Then we have the anterior clinoid process and the anterior margin of the sulcus cap. And this anterior boundary of middle cranial fossa. Okay, so it separates the anterior and middle cranial fossa. Now the फ्लोर itself in इन द plane प्लेन formed फॉर्म by बाय द plate of प्लेट ऑफ द So बोन सो इथेमॉइड बोन की क्रिब्री फॉर्म प्लेट अब हम बात कर रहे हैं फ्लोर की यानी जो आपको नजर आ रही चीज़ें वॉट इज द बेस ना तो द फर्स्ट थिंग विच यू सी इन द मिड लाइन इज द इथेमॉइड बोन की क्रिबरी फॉर्म प्लेट इसमें सुराख होते हैं और इसमें से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं सो दट इज प्रेजेंट देर और पोस्टीरियरली सुपीरियर सर्फिस ऑफ द एंट्रिय पार्ट ऑफ द बोन Body of the sphenoid or uh, jugum sphenoidale. So that bit is the jugum sphenoidale on the posterior side. Okay, so that's the anterior side, and this is the uh, posterior side of the middle of your uh, cranial anterior cranial fossa. On each side, so this midline was the so midline. The structure my most important structure is form, Now, sides, pe kya hai on each side of the base of the intracranial fossa. राइट ना सब अदर इंपॉर्टेंट फीचर जो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट का भी जिक्र किया इट से इसके नीचे बिल्कुल क्या होगा इट इज क्वाड्रिलेटेड इन शेप और फिर उसकी फर्दर बाउंड्रीज बताइए की जो एंटीरियर मार्जिन

Anteriorly, the cribriform plate has a midline projection which is known as crista galli um, and on each side of the crista galli there are foramina through which the anterior ethmoidal nerve and vessels pass through the nasal cavity. It's kind of connected with your nose, the cranial cavity, okay? The plate is also perforated by numerous foramina for the passage of the olfactory nerve root इसीलिए This um, a big important clinical point. Bata raun, okay? ये अगर आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं ना तो so इसके बिल्कुल पीछे यानी अगर मैं इसको पलटा दूँ तो नीचे क्या नजर आएगा नीचे विल बी द नेजल कैवरी एंड देर आर कनेक्शन ये जो सारे छोटे मोटे सुराख हैं इनमें से ऑल फैक्ट्री नर्व गुजर रही है एंड देर आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पासिंग विच आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद योर नेजल कैवरी अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है आर टी ए जिसको हम कहते हैं सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आज दी पेशेंट और अटेंडेंट इफ द पेशेंट इज कोमेटोज के एक्सीडेंट uh, के बाद नाक से लिक्विड तो नहीं आया था या कान से लिक्विड दोस्तों तो, reason we ask this question is the fact that agar base of the skull may is a fracture wire. so there is a possibility, because your cerebrospinal fluid have a nasal cavity mein dribble triple patient key nose, say liquid neck out. if you imagine this three-dimensionally, so nose, ke upar, there is a cribriform plate. so is pe, there is a cribriform. the patient is communicating with the cranial cavity, anterior cranial fossa, with the nasal cavity. so if there is a fracture here, csf will leak down and come out of the nose. so that's one of the very important questions that we usually Usually ask. Then the jugum sphenoidal separates the anterior cranial fossa from the sphenoidal sinuses, the orbital plate separates it from the orbit. सब इम्पॉर्टेंट बातें क्योंकि अगर फ्रैक्चर ऑफ स्कल होगा ना तो फिर उन्हीं स्ट्रक्चर्स में ब्लीडिंग हो सकती है सी एस एफ लीक हो सकता है लेसर विंग ऑफ द स्पिनॉयड इज ब्रॉडली ब्रॉड वेरी वेरी ब्रॉड एक्चुअली मीडियली वेर इट कंटिन्यूस एस एगम स्पिनॉय एंड टेपर लेटरली फ्री पोस्टर बॉडर फिट्स इन द स्टेम ऑफ द लिटल सर्कस ऑफ द ब्रेन ऑब्बियसली इस पूरे एंटीरेनल uh, फोसा में ऊपर तो ब्रेन ही फिट हुआ होगा ना बल्कि पूरे मिडल में भी और पोस्टर भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर फिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द Uh, cranial uh, cavity. So you need to know the relations as well. The frontal lobe ki darei, temporal lobe ki All these things are also very important anatomically. So um, medially, the lesser wing is connected. There is a superior orbital fissure. There is, um, um, you know, medial end pe is lesser wing ka? there is a cl anterior clinoid process. Or this bhi Medially, the lesser wing is connected uh, with the uh, you know uh, the body of the sphenoid by एंटीरियर एंड पोस्टर रोड सो दिस इज एक्चुअली टू मच डिटेल विच यू प्रोबेबली वु नॉट नीड बट देश लाइन द बेसिक आइडिया है वो ये कि आपको कंपोजिशन ऑफ द फोसा उसकी एंटीरियर पोस्टिड्रीज उनमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स उनके कनेक्शन और ब्रेन का कौन सा पार्ट उधर होगा सो लकीली एंटीरेक्ट्रेनल फोसा में बहुत सारे फोरामा नहीं है जो आपको याद रखने पड़े सो दैट्स आई मीन मिडिल फोसा जब करेंगे यू विल सी सो मेनी फोरामा एंड ओपनिंग्स बट लकीली एंटीरेक्ट्रेनल फोसा डज नॉट है clinically fracture of the anterior cranial fossa may cause bleeding and discharge of the cerebrospinal fluid through the nose ye baat already discussed earlier it may also cause a condition which is known as the black eye because this orbital plate hai iske bilkul niche eyes hai, orbital cavity hai. so if some fracture happen here there may be bleeding okay so uh, that's all which is uh, something that you have to remember about the anterior cranial fossa so next video maybe we will talk about the middle cranial fossa